हे महादेव, मैं जानता हूं कि तुम इन अपशगुनों द्वारा मुझे डरा रहे हो, जिससे कि मैं हार मानकर उस राम के चरणों में झुक जाऊं। और वो राम हर समय तुम्हारे आगे हाथ बांधे सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है, इसलिए तुम मेरी उपेक्षा करके उस राम की सहायता करना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे मेरी शक्तियों पर पूर्ण अधिकार है अहंकार करने का। ये शक्तियां मुझे किसी ने दान में प्रदान नहीं की, मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में विधि के विधान द्वारा तुम मुझे ये शक्तियां देने में विवश थे। मैंने ये शक्तियां अपने बाहुबल से प्राप्त की, इसलिए मुझे इनसे अहंकार। जो भी अपूर्व शक्ति पा जाता है उसे तुम्हारी माया शक्ति के मत में पागल बना देती है। अरे शक्ति का मत तो तुम्हारे देवताओं को भी है, वो भी अहंकार कर जाते हैं। मेरी वही व्यवस्था है, शक्ति अपाई उन पे अहंकार किया और उन शक्तियों और अहंकार के मत में वो शक्तियां सहन ना कर सकती। उन शक्तियों के अहंकार के मत में मैंने लोगों पे अत्याचार किया, धर्म के मार्ग को छोड़ के अधर्म के मार्ग पे चला हूं, तो उनका दंड तो मुझे मिलेगा, परंतु वो दंड भी मैं उस घर से ही भोगूंगा जिस घर से मैंने शक्तियां भोगी। रावण मिट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। हे त्रिलोकेश्वर, जिस राम की तुम सहायता करना चाहते हो, आज वो राम भी देख ले कि इस रावण से युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। अगर जीवित रहा तो फिर आके तुम्हारे दर्शन करूंगा। हाँ,